हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू पेंटिंग। और आज मैं ट्राई कर रही हूँ कृष्णा और राधा जी की पेंटिंग। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने क्ले ले ली है, जिससे मैंने उनके इयररिंग्स बनाए हैं, मोर पंख बना रही हूँ एंड इनकी ज्वेलरी बनाई है मैंने ये। और आप अच्छे से इससे ज्वेलरी बना सकते हैं। और अगर आपके पास इसमें कोई टूल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। एंड मैंने इसमें चारों तरफ मांग टीके के साथ में क्ले से ही राउंड करके बना दिया है, जिससे लुक बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है इसमें। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं ट्राई, नहीं तो आप लोग इसमें कलर करने के बाद में आप आउटलाइन कर सकते हैं क्ले से। एंड फर्स्ट अप्लाई मैंने कर दिया है वाइट कलर का, और जिससे कि चारों तरफ सेम इक्वल बेस रहे इसका। एंड देन मैंने इसकी इसके ऊपर स्किन कलर यूज़ करा है इनके चेहरे के लिए। ये 2 या 3 कोट्स आपको करने पड़ेंगे तभी आपका स्किन कलर शो होगा, क्योंकि वो लाइट होता है। और वाइट के ऊपर करने के बाद में ही आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा इसके ऊपर। एंड देन मैंने इनकी पगड़ी का दिया है लुक, ब्लू एंड ग्रीन यूज करा है इसमें कलर। और मैंने ओडी का कलर रखा है रेड, रेड से कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एंड मैंने बेस पे करा है बेबी पिंक कलर, आप वाइट भी रख सकते हैं अगर आपको वाइट अच्छा लग रहा हो तो। अब मैंने इनके हेयर में कलर कर दिया है ब्लैक। इसको ब्लैक कलर से कलर कर लेते हैं। मैंने मांगटी का एंड ईयर्स रेड कलर ही करा है, जिससे कि मैचिंग हो जाए कि उन्हीं के साथ में। और आउटलाइन कर लिए मैंने सिल्वर कलर से। आप गोल्डन कलर को जो अगर स्किन कलर में मिक्स करेंगे तो वो सिल्वर का लुक ले लेता थोड़ा। एंड देन मैंने इसमें मिरर लगाने स्टार्ट कर दिए।
मैंने नथ बनाई है पर्ल से, जो कि फ्लैट आते हैं नीचे से, वो जो इजीली आप पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।